गोड्डा में आधार के नाम पर बड़ा फ्रॉड, हो जाएं सावधान। आधार बनाने के लिए किया जा रहा है बाईपास का इस्तेमाल, न आपका आधार बन रहा है न आप योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, महज धोखा किया जा रहा है। आधार बनाने के नाम पर उल्टा पैसे देकर धोखेबाजों के शिकार हो जाएंगे। गोड्डा में SSS एकेडमी पर लगा है इल्जाम, आधार कार्ड बनाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 70 रुपए वसूल कर किया जा रहा है फ्रॉड। बता दें खुद SSS एकेडमी के पूर्व कर्मचारी ने लगाया है आरोप। कर्मचारी ने कहा 2 महीने काम के बाद मालूम हुआ यहां आधार बनाने के नाम पर किया जा रहा था फ्रॉड। दरअसल SSS एकेडमी के पूर्व कर्मचारी का आरोप है 2 महीने से आधार कार्ड बना रहा था, 70 रुपए प्रति व्यक्ति से लेकर आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन 2 महीने बाद भी लोगों को आधार कार्ड नहीं मिला, जिसके बाद लोगों ने कर्मचारी को घेरना शुरू किया। बता दें कर्मचारी का कहना है बाईपास लिंक बनाकर ये काम किया जा रहा है, इसे लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। कर्मचारी का कहना है 2 महीने का वेतन भी SSS एकेडमी द्वारा नहीं दिया गया है। सुरुज बोले, क्या दिक्कत है? हम लोग पहले यहाँ पर काम करते हैं स्किल इंडिया में। स्किल इंडिया में 4-5 महीने काम करने के बाद हम लोगों को जैसे लॉकडाउन लग गया, उसके बीच हम लोगों को पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर BMG साहब में काम किए, उसके बाद सर बोले कि आप लोग आधार में काम कीजिएगा, तो हम लोगों ने हाँ काम करेंगे। 2-3 महीना फील्ड में काम किए तो 99% रिजेक्टेड रहा आधार का काम। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाईपास में आधार बन रहा। बाईपास क्या होता है वो तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन गलत तरीके से बनता है। गलत तरीके से बनता है। कितना दिन आप लोग काम किए थे टोटल? 2 महीने। उसे पेमेंट अभी तक नहीं मिला? नहीं, उधर पहले तो 4-5 महीने काम किए थे, पेमेंट नहीं मिला। और उसके बाद 19% लोगों का बना नहीं? नहीं। दिक्कत क्या हुई? रिजेक्ट गया सब। जब सब पैसा मांगने लगा हम बोले तो बोला कि नहीं पैसा रिटर्न नहीं मिले। उसके बाद बाजार में क्या दिक्कत है आपको? बाजार में सबको पैसा रिटर्न मांग रहा है, सबका रिजेक्ट किया। ये जो कह रहे इनकी बातों से कहाँ तक सच्चाई आपको नजर आ रहा है? देखिए ऐसा हम लोग कुछ करते नहीं, ऐसा वगैरह कुछ होता नहीं। ये इनका मैटर ये है कि इनका कुछ और मैटर है, ठीक है, और ये आकर के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का कुछ और भी काम होता है यहाँ पे, बहुत एज ए स्टाफ हम लोग का, ठीक है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, किसी से नहीं पूछ रहे आपसे। मतलब ये है मैटर कुछ और दूसरा मैटर क्लियर कीजिए ना, समझे? और यहाँ पे ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, और यहाँ पे एज ए सब जितना भी हम लोग मेंबर है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं किसी को हम लोग पैकेज सैलरी नहीं देते हैं या कोई गलत काम होता है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। कोई गलत काम? बाईपास आधार कार्ड नहीं चलाते नहीं। आपका एक ग्रुप है, आपका लिंक है, वो भी फोटो है मेरे पास, उसमें आप एडमिन भी हैं। इसमें एडमिन बाईपास करके वो पहले ऐसा कोई ग्रुप एडमिन नहीं, पहले जो हम लोग का यूजर चलता है जो परमानेंट सेल्स से मिला था, ठीक है, उसी से हम लोग का काम चलता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का बैनर बाहर में। आप कह रहे कि बाईपास करके ऐसा कुछ नहीं है, दिखाइए इनको ग्रुप, दिखाइए। इनको पहचानते हैं ना आप? पहले हम लोग स्किल इंडिया में काम करते हैं। हाँ, स्किल इंडिया में काम कर रहे थे। और ये जो भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड आप इनको बनाने के लिए बोले हुए थे, आपको ये गया, आप क्या बोला? जो बोला आपके सामने, उनको कुछ नहीं बोला जो आप ऐसे यहाँ में मतलब डायरेक्ट विजिट किए, क्या पर्पज है? पर्पस ये है कि इनको पैसा नहीं मिला, ये शिकायत करने आया है, हम आपसे वही पूछ रहे हैं जो आपके सामने है, जो बात है वही है, यही है। हाँ, आधार कार्ड आप लोग डुप्लीकेट तरीके से बना रहे हैं, 19% लोगों का जो है फेलियर हो रहा है, ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। यहाँ भी हम लोग बैठते हैं, यहाँ भी जेन्युइन कस्टमर आता है, जो भी है, आज तक ऐसा कोई शिकायत है नहीं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने ये झूठ कह रहे हैं, दिखाइए कौन सा, ये जो आधार बाईपास है जो अभी आपके सामने जो दिख रहा है, क्या आप इसमें हैं इस ग्रुप में? इस ग्रुप देखिए, ग्रुप में देखिए क्या है, लेकिन नंबर कब का क्या चीज़ है, ठीक है, ये ग्रुप वगैरह जो है, ठीक है, ये हम लोग का जो पहले था ना, जो कि काम वगैरह कर रहा था, ये बाईपास तरीके से काम नहीं हो रहा था। लिखा तो है बाईपास, ठीक, कब का मैसेज है वो भी तो देखिए, जब कब ये काम चल रहा था। अरे नहीं तो कब का मैसेज है ये? 2-3 महीना पहले जब ये काम छोड़ा है, तब काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम उतना दिन से क्या हुआ? प्रॉब्लम उतना दिन से तो मार्केट आदमी बोला नहीं, जब बोला क्या मैं रिजेक्ट हुआ तब आपको बोले। ये मैटर से हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, हम लोग का कोई और भी काम होता है यहाँ पे, एज ए बहुत कोई है जो भी काम कर रहा है, जो लिख देता है इन्हीं का नंबर। समझे? आपका नाम? मेरा नाम संजीव। घर? घर कुरमन। आप इस इंस्टीट्यूट के क्या है? आप इंस्टीट्यूट के क्या है? इस इंस्टीट्यूट के आप क्या है? इस संस्था के क्या है? एडमिन।
कौन सा मशीन दिया भाड़ा में? आधार का किट दिए, फिंगरप्रिंट, आईरिस डिवाइस दिए, 5,000 रुपए मंथली भाड़ा पे, जो कि 2 महीना हो गया जब आज लेने आ रहे हैं, तो बोल रहा है कि आप बिहार से जाके लेके आइए, जो कि हम इनको दिए हैं, हम बिहार से जाके क्यों लेते हैं? अभी ये मशीन दिए हैं, इसमें सच्चाई है कि ये भी झूठ है? नहीं जानते। अपने बच्चों को देनी हो सही दिशा तो आज ही एडमिशन करवाइए न प्रभात मिशन में। बच्चे हैं देश का भविष्य, दीजिए एक नई दिशा न प्रभात मिशन के साथ। पिछले 20 वर्षों से गुड्डा वासियों का विश्वास न प्रभात मिशन कर रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। गुड्डा का विश्वसनीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, नामांकन जारी है, जल्द संपर्क कीजिए। लेट्स एम हाई फॉर योर चाइल्ड, टुगेदर वी विल फ्लाई।